नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा गुरुवार को नागौर जाते समय कुछ समय के लिए अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचे। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस में की जनसुनवाई, पीड़ितों की समस्याओं को सुना, निस्तारण के दिए निर्देश। प्रदेश के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा गुरुवार को नागौर के खींवसर जाते समय कुछ समय के लिए अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचे। यहां भाजपा जनप्रतिनिधियों ने मंत्री झावर सिंह खर्रा का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री झावर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर पीड़ितों की समस्याओं को भी सुना। मंत्री खर्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ प्रकरण सामने आए हैं। जनसुनवाई में सफाई कर्मचारियों की समस्या, कच्ची बस्ती और शहरों की समस्या को लेकर कुछ शिकायतें भी मिली हैं, जिसमें विस्तार से चर्चा की गई है। इन समस्याओं का अध्ययन कर अधिकारियों के साथ बैठक कर उनका निस्तारण कराया जाएगा। मंत्री खर्रा ने मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति पर पूछे गए सवाल के दौरान कहा कि उपचुनाव के बाद प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। पिछली लिस्ट में जो टाइपिंग की गलतियां रह गई थी उसे जल्द सुधार करके जारी करवाने के प्रयास किए जाएंगे। मंत्री ने सफाई कर्मचारी भर्ती के सवाल पर कहा कि भर्ती की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे कि पात्र आवेदक आवेदन कर सकें, इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करवाया जा सके। उन्होंने विकास कार्यों के लिए फंड की कमी के पूछे गए सवाल पर कहा कि भाजपा की जब सरकार बनी तो इस तरह की शिकायतें सामने आई थी। कांग्रेस सरकार के दौरान विकास कार्यों के लिए आए धन का उपयोग मोबाइल खरीदने सहित अन्य कामों के लिए कर दिया गया, इसलिए फंड अटक गए। इन शिकायतों का निस्तारण कर लिया गया है। केंद्र सरकार से हाल ही में 7,000 करोड़ रुपए का फंड विकास कार्यों के लिए स्वीकृत हुआ है। अब विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बाद मंत्री खर्रा नागौर के खींवसर के लिए रवाना हो गए। अजमेर में हमारे जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई है, कुछ लोग आए, उनकी जनसुनवाई हुई है, कुछ प्रकरण आए उनका अध्ययन करके शाम को अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करके उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। प्रकरण कुछ तो सफाई कर्मियों का है, कुछ कच्ची बस्तियों का है, कुछ शहर की कुछ समस्याओं के बारे में है। उनसे विस्तार से चर्चा हुई है, कुछ कागजात उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, दिन में उनका अध्ययन करेंगे और रात में या कल सुबह अधिकारियों से मिलाकर उन पर चर्चा करके सकारात्मक निर्णय करवाएंगे।